यूपी दौरे पर जा रही प्रियंका गांधी और राहुल गांधी आज लखनऊ में बड़ा रोड शो करने वाले हैं। इस रोड शो के लिए कांग्रेस की तरफ से खास तैयारियां की गई हैं। साथ ही प्रियंका गांधी के रोड शो के लिए खास तौर पर एक रथ तैयार किया गया है। लखनऊ एयरपोर्ट से दोनों नेता इसी रथ पर सवार होकर कांग्रेस दफ्तर तक करीब 25 किलोमीटर का रोड शो करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पहली बार महासचिव बनने के बाद उत्तर प्रदेश आ रही हैं और लखनऊ में उनके स्वागत की भव्य तैयारी है। हम इस वक्त एयरपोर्ट पे हैं और एयरपोर्ट पे जो ट्रक रोड शो के लिए बनाया गया है उसकी तस्वीर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, जो इंदिरा गांधी के साथ प्रियंका गांधी की तुलना की जाती है वो यूं ही नहीं किया जाता। पूरी कांग्रेस पार्टी ने भी कुछ इस तरह ही पेश करने की कोशिश की है कि इंदिरा गांधी का अक्स प्रियंका गांधी में दिखता है। हालांकि उसके ऊपर जो पोस्टर लगे हैं उसमें राजबब्बर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की भी फोटोग्राफ है। लेकिन हम आपको इस ट्रक के अंदर ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये ट्रक बनाया गया है। लाल कालीन यहाँ पर बिछाई गई है। राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष हैं, प्रियंका गांधी पहली बार उत्तर प्रदेश आ रही हैं और इसलिए ये जो ट्रक है आप देखिए पूरी तरीके से रोड शो के लिए तैयार है और आखिरी चरण में तैयारी चल रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता यहाँ पर इस पूरी तैयारी का जायजा ले रहे हैं। तो एक तरह से हम आपको बताएं कि जो चर्चा होती है प्रियंका गांधी की, जो तुलना होती है इंदिरा गांधी से, वो सिर्फ मीडिया में ही नहीं होती, पार्टी के लोग भी कहीं ना कहीं ये मानते हैं और ये चाहते हैं कि प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी के अवतार के रूप में ही दिखें। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, न्यूज 18 इंडिया, लखनऊ। अरुण के पास चलते हैं। अरुण, हम आपकी रिपोर्ट भी देख रहे थे, पूरा लखनऊ इस वक्त पोस्टरों से पटा पड़ा है, इस वक्त ग्राउंड जीरो से क्या तस्वीरें आप हमें दिखाने वाले हैं? सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीर दिखाऊं कि एयरपोर्ट के बाहर का जो रास्ता है वो पूरा रास्ता जो है प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के पोस्टरों बैनरों से अटा पड़ा है। चारों तरफ जहां भी लखनऊ में नजर आपकी जाएगी वहां पर कांग्रेस के नेता, उनके हाथ में तिरंगा झंडा, राहुल और प्रियंका की तस्वीरें, यही आपको दिखाई देंगी। इस वक्त मैं एयरपोर्ट के सामने हूं और यहां पर बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। आप देखिए कि हाथ में तस्वीर लिए प्रियंका गांधी की, क्या उम्मीद है प्रियंका गांधी से? नया उत्साह, नया परिवर्तन, नया जोश, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर परिवर्तन की आंधी, दूसरी इंदिरा गांधी, जो नूर दिख रहा है दूसरी इंदिरा गांधी का। देखिए, लहर नहीं ये आंधी है, नाम प्रियंका गांधी है। ये आप जो नारा लगा रहे हैं, लहर नहीं ये आंधी है, नाम प्रियंका गांधी, इसका क्या मतलब है? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है ना, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं में एक विश्वसनीय विश्वास है कि प्रियंका जी के आने के बाद इंदिरा जी की जो कार्यशैली थी, विभाग कार्यशैली, निष्पक्ष कार्यशैली, कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेकर के और विरोधियों का जवाब उनकी भाषा में देने की क्षमता इनके अंदर है, यह विश्वास जो कार्यकर्ताओं में है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में जो बंजर भूमि मानी जाती थी आज के विगत कुछ वर्षों से कांग्रेस की राजनीति में, प्रियंका जी के आने के बाद अब 42 लोकसभा का जो प्रभारी बनाया गया, इससे जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो नौजवान है, जो कार्यकर्ता है, वो काफी उत्साहित है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष केशव चंद यादव भी हैं। केशव चंद जी, युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए आपने युवा जोश का नारा दिया था, जुड़ रहे हैं युवा पार्टी? बिल्कुल जुड़ रहे हैं। मैंने अपने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बताया था, आंकड़ा दिया था, जिस तरह से आंकड़े निकल के आए वो आंकड़े बताते हैं कि बड़े पैमाने पर युवा जुड़े हैं, बदल रहे हैं, आ रहे हैं कांग्रेस के साथ। और अभी जब से घोषणा हुई है माननीय प्रियंका जी के बारे में, जो उत्तर प्रदेश का प्रभार मिला, उसके बाद से तो एक अलग किस्म का हालात दिख रहा है, एक अलग किस्म का जोश दिख रहा है और वो जोश कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर कांग्रेस पार्टी को 2019 के चुनाव में फायदा पहुंचाएगा, प्रदेश और देश की जनता को भी उसका फायदा होगा। कई और युवा नेता हैं, ये बताइए आपकी युवाओं को जोश में लाने की कोशिश है आपकी पार्टी की तरफ से, युवा जुड़ेंगे? कोशिश नहीं है, हाँ। जोश में आ गए हैं युवा, जुड़ गए, क्योंकि युवाओं के लिए जो उनकी उम्मीद है सरकार से, जो उनकी उम्मीद है एक भारत के भविष्य के लिए, वो तस्वीर माननीय श्री राहुल गांधी जी के अलावा और कोई उनके सामने प्रस्तुत नहीं कर रहा है। इसलिए मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश के नौजवान एकजुट होकर इस बार कांग्रेस के साथ चलेंगे और आप उसका परिणाम इस बार के चुनाव के नतीजे में देखेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि प्रियंका गांधी को उन्होंने 2-3 महीने के लिए नहीं भेजा है, तो क्या ये माना जाए कि 2022 में चेहरा भी हो सकती है विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी? मैं उस तरह की भविष्यवाणी नहीं करूंगा, मगर ये जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश उनका है, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस जन हमेशा उनको अपना घर का माने हैं, अपना नेता माने हैं, तो निश्चित रूप से प्रियंका जी आ गई हैं, वो हम लोगों के साथ कदम से कदम मिला के लंबे तक चलेंगी। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, खासतौर से युवा जो कार्यकर्ता हैं, काफी उत्साहित हैं प्रियंका गांधी के आने से और उनकी कार्यशैली की प्रशंसा भी ये लोग करते हैं।
अलग तरह की कार्यशैली रही है प्रियंका गांधी की, और मुझे लगता है कि ये उसी को रेखांकित करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको लगता है कि चीजें स्ट्रीमलाइन होंगी, अनुशासन ज्यादा आएगा और तवज्जो से लबरेज है ये कार्यकर्ता, और यही तस्वीरों में नजर भी आ रहा है। अरुण, संदीप और नीरज तीनों हमारे साथ बने रहिए, वापस आपके पास लौटेंगे। इस बीच लखनऊ में एयरपोर्ट से कांग्रेस दफ्तर तक 25 किलोमीटर तक रोड शो होगा। अलग अलग जगह की क्या तैयारी है आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। यह लखनऊ एयरपोर्ट का शुरुआती इलाका है, यहीं से एयरपोर्ट की शुरुआत होती है, और आप देख सकते हैं कि यहां भी प्रियंका गांधी के जो बैनर पोस्टर हैं वो लगा दिए गए हैं, और काफ़ी तैयारियां यहां पर लेकर एयरपोर्ट के पूरे रास्ते को सजा दिया गया है। जो चौराहा है ये एयरपोर्ट का, वहां भी मूर्तियां जो एक तरीके से तस्वीरें लगा दी गई हैं, और इंदिरा गांधी की जो तस्वीर लोग कहते हैं, जो कार्यकर्ता भी कह रहे थे कि यहां भी सोनिया गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, राहुल गांधी की तस्वीरें बड़े पैमाने पर लगाई गई हैं। पूरे शहर में आप देख सकते हैं कि जो तस्वीरें हैं, जो बैनर पोस्टर, उससे पूरा शहर को पाट दिया गया, और प्रियंका गांधी का रोड शो इसी रास्ते से निकलेगा और इस मेन रोड पर आएगा। यहीं से आलमबाग होते हुए नहरिया चौराहा, हुसैनगंज होते हुए लालबाग पहुंचेगा, हजरतगंज पहुंचेगा, वहां पर एक जो है महात्मा गांधी, सरदार पटेल और जो डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। माल्यार्पण के बाद सीधे राजभवन होते हुए, वीवीआईपी गेस्ट हाउस होते हुए प्रियंका का रोड शो कांग्रेस के पार्टी कार्यालय पहुंचेगा, जहां वो पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। यानी लगभग 24 से 25 किलोमीटर का ये रोड शो 5 से 6 घंटे में वहां पहुंचेगा। ये आलमबाग चौराहे का इलाका आप देख सकते हैं कि यहाँ भी प्रियंका गांधी के रोड शो की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर दी गई हैं। चौराहे पर है जहाँ डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लगी है, दूर जो घर हैं बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए हैं उसकी तैयारी। यहाँ से एयरपोर्ट काफ़ी नज़दीक माना जाता है, 3 से 4 किलोमीटर यहाँ से एयरपोर्ट की दूरी है। प्रियंका गांधी का रोड शो इसी रास्ते से होकर गुजरेगा, और यहाँ भी तैयारियाँ, जगह जगह स्वागत की तैयारियाँ कर दी गई हैं। जो चौराहे हैं, जो स्थल हैं, वहाँ पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह देख रहे, जो पोस्टर बैनर लगाए गए हैं चारों तरफ लगा दिए गए हैं बैनर पोस्टर। हालांकि ये काफ़ी भीड़ भाड़ का इलाका है, जब रोड शो निकलेगा तो शायद इस इलाके में भारी जाम से भी लोगों को जूझना पड़ेगा, लेकिन सच ये भी है कि प्रियंका गांधी की रोड शो की तैयारियाँ पूरे चरम पर हैं राजधानी लखनऊ में। प्रियंका गांधी के रोड शो का हिस्सा ये इलाका भी है, ये टीएन वाजपेयी चौक है, आप देख सकते हैं कि सजावट जो है यहाँ भी पूरी तरीके से कर दी गई है। उनके स्वागत को लेकर जो कामदार हैं उन्होंने बैनर पोस्टर लगाया, इस चौराहे को भी सजाया गया है। जो दाहिने ही तरफ का हिस्सा है रेलिंग, उस पर भी कांग्रेस के झंडे और पोस्टर तस्वीरें लगा दी गई हैं। जो बाएँ तरफ का हिस्सा है उसे भी सजावट किया गया, वहाँ भी सजा दिया गया है पूरा। जो एक तरीके से कहा जाए पूरे इस 25 किलोमीटर के आसपास का जो दायरा है वहाँ पर लोग तैयार हैं, और जो जहाँ पर हम मौजूद हैं यहाँ कांग्रेसी कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, और ये स्वागत का स्थान है प्रियंका गांधी का, बहुत सारे लोग भी यहाँ मौजूद है। क्या तैयारी की गई है यहाँ? ये असंगठित कामगार कांग्रेस का हम लोग ये मंच बनाए हुए हैं, इसमें असंगठित कामगार, घरेलू कामगार, निर्माण मजदूर, डिलीवरी बॉय, ये सब लोग यहाँ आ रहे हैं और स्वागत करेंगे। और कांग्रेस पार्टी पहली बार असंगठित कामगारों के लिए ये अभियान चला रखा है, हम सब लोग मिल करके जो लखनऊ के कामगार, प्रदेश के कामगार, उनका स्वागत करेंगे। मैं असंगठित कामगार मुजफ्फरनगर से हूँ, जिला अध्यक्ष। स्वागत जो अब स्वागत बहुत जोरों शोरों से है असंगठित कामगार के द्वारा, मंच लगाया गया है, हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी आ रहे हैं, हमारी पूरे प्रदेश की टीम आ रखी है, और मैं प्रदेश सचिव मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। देखा कि लगातार जो है स्वागत की तैयारियां चल रही हैं, नारेबाजी भी लोग कर रहे हैं कि राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद के नारे जो लग रहे हैं। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का रोड शो इसी चौराहे से होकर गुजरेगा, ये हुसैनगंज का इलाका माना जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी प्रियंका गांधी वाड्रा के जो स्वागत का है पोस्टर लगा दिया गया, जो झंडे हैं वो लगा दिए गए पूरे चौराहे पर। जो कांग्रेस का झंडा होता है जो 3 कलर का होता है, हरा, सफ़ेद, लाल, उसे लगा दिया गया, और पूरे चौराहे को साफ कर दिया गया है। नगर निगम की तरफ से भी तैयारी की गई है, इसी रास्ते से प्रियंका गांधी का रोड शो गुजरेगा। ये हुसैनगंज का इलाका है, यहाँ से होते हुए लालबाग चौराहे जाएंगे और फिर हजरतगंज जीपीओ पहुँचेंगे, जहाँ पर महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करेंगे। यानी लगभग 2 दर्जन स्थानों से ज़्यादा जगहों पर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी का स्वागत होगा, फूलों की वर्षा होगी। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आज उत्तर प्रदेश की सियासत सबसे ज़्यादा गर्म दिख रही है। रवि के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18, लखनऊ। अमिताभ सिन्हा के पास चलते हैं जो न्यूज रूम से लाइव मौजूद हैं। अमिताभ, नई भूमिका मिलने के बाद प्रियंका गांधी आज पहली बार लखनऊ जा रही हैं, रोड शो है, और कांग्रेस में खासा जोश देखने को मिल रहा है, बीजेपी खेमे में भी हलचल है, किस तरीके से आप इसे देखते हैं?
देखिए हलचल तो बीजेपी खेमे में है, लेकिन इससे दो चीज़ें साफ हैं कि पहला, राहुल गांधी और ने अपने ट्रंप कार्ड प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा है सिर्फ इसलिए क्योंकि आईसीयू में पड़ी उत्तर प्रदेश की कांग्रेस को जनरल वार्ड में शिफ्ट किया जाए और उन्हें डिस्चार्ज करवा जाए ताकि वो कुछ सीटें जीत सकें। दूसरा जो सबसे अहम पहलू है वो समाजवादी पार्टी और बसपा के महागठबंधन से कांग्रेस को बाहर कर दिया गया था, तो कांग्रेस अपनी ताकत भी दिखाना चाहती है। तो जाहिर तौर पर प्रियंका को उतार के ज्योतिरादित्य सिंधिया को चार्ज दे के ये मामला आगे बढ़ सकता है। तीसरा जो सबसे अहम पहलू है वो 18 साल से उम्र के वोटर, जो युवा वोटर हैं जो पहली बार वोट देंगे। बीजेपी ने कैंपेन चला रखा है पूरे देश में, पहली बार वोट, पहला वोट मोदी के नाम। तो जाहिर तौर पर प्रियंका को उतार के युवा वोटरों को लुभाने की पूरी तैयारी है। और सबसे अहम बात है, बीजेपी को यह लगने लगा है कि अगर कांग्रेस लड़ती है तो अमिताभ, मैं आपको रोकना चाहूंगी, सीधे आपको दिखाते हैं कि राहुल गांधी क्या कुछ बोल रहे हैं। वो धरना स्थल पर है जहां पर चंद्रबाबू नायडू धरना दे रहे हैं। I want to ask you one question. If the Prime Minister of India makes a commitment to somebody in this country, should he maintain that commitment, yes or no? What sort of a Prime Minister is this? That the Indian government, the Prime Minister's post has made a commitment to the people of Andhra Pradesh and this Prime Minister does not fulfill the commitment that he's made to the people of Andhra Pradesh. Is Andhra Pradesh not part of this country? So how dare he not fulfill this commitment? I have made it very clear, whatever commitment the Prime Minister of India makes, the Prime Minister of India will fulfill. So that is why you are here. I stand with you. I stand with the people of Andhra. Mr. Narendra Modi, wherever he goes to Andhra Pradesh, he lies about special status. He goes to the northeast, he tells another lie over there. He goes to Maharashtra, he tells another lie over there. Fifth, he has absolutely got no credibility left. And remember one thing, it is only a couple of months, 1 or 2 months, the opposition party is going to show Mr. Narendra Modi exactly what the sentiment in this country is. Final thing I want to say, the Prime Minister became Prime Minister by saying he is going to fight corruption. Have you read the Hindu newspaper today? Did you read the Hindu newspaper yesterday? Rafael? Chokidar? Exactly. Chokidar chor hai. The Prime Minister has stolen from the people of Andhra Pradesh and he has given that money to Anil Ambani. That is the fact of the matter. I want to let you know that we are all standing together. We are going to defeat the BJP, Mr. Narendra Modi. Thank you very much for inviting me here. It is an honor for me to speak to you. Namaskar. तो राहुल गांधी को आप सुन रहे थे और काफी आक्रामक अंदाज उनका दिखाई दिया। आमतौर पर राहुल गांधी इतने आक्रामक नहीं होते हैं और जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू ने पिछले साल वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए एनडीए से अलग हो गए थे, अब धरना दे रहे हैं और राहुल गांधी ने भी केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया, साथ ही चौकीदार चोर है एक बार फिर से ये नारा बुलंद किया। Is reducing carbon emissions and raising farmers' incomes. Bio-emission turbine fuel has already been tried out in our civil aviation sector. Our government has encouraged private participation across the entire oil and gas value chain. India is becoming an attractive FDI destination. Companies like Saudi Aramco, ADNOC, Total, ExxonMobil, BP and Shell
are looking to increase their investment across the value chain. India is making rapid strides towards the gas-based economy. Our 16,000 kilometers of gas pipeline has been constructed and an additional 11,000 kilometers is under construction. Execution of 3,200 kilometers of gas pipeline in eastern India has begun. This will connect northeast India with the national gas grid. The 10th bid round for city gas distribution will be complete in a month's time. This will cover over 400 districts. It will extend coverage of city gas distribution to 70% of our population. We are gearing up for Industry 4.0. This will